नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा गोली, जो खट्टी मीठी होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो आप जानते ही हैं जीरा की मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है। जीरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसी के साथ यदि आपको गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह की गोली बना करके रखते हैं और खाने के बाद एक गोली आप खाएंगे, आपको इन सभी चीजों से राहत मिलेगी। इस तरह की गोली आप बना करके रख देंगे, ये गोली एक साल भी खराब नहीं होती है। आइए जीरा गोली बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून जीरा लिया है, जिसे हम भून लेंगे। जीरा को भूनने के लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 3 टेबल स्पून जीरा को डाल देंगे और गैस चालू कर देंगे। जीरा को हम तेज आंच में नहीं भूनेंगे, इसे धीरे धीरे आंच में ही भून के तैयार करेंगे। जीरे को भूनने का रीज़न ये होता है कि जीरे के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, और इसकी फिर हम जो गोली बना के तैयार करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगी और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसमें कोई तरह का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। वैसे आप पहले जीरा पीस करके रखा हुआ हो, और यदि आपके शहर में यदि मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है तो आप पिसा हुआ जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ तक हो सके आप जीरे को फ्रेश सेक करके यूज़ करें, जिससे गोली की उम्र ज़्यादा रहेगी, वो काफ़ी टाइम तक चलेगी, गोली ख़राब नहीं होगी जल्दी से। और हमेशा चलाते हुए भुने, इसे डालने के बाद छोड़े नहीं, धीरे धीरे इसको चलाते रहे, जैसे एक जैसा जीरा भून करके तैयार हो। तो आप छोड़ देंगे तो जीरा कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा, फिर वो भी टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। अब देख पा रहे हैं हम कंटिन्यू जीरे को भून रहे हैं। अभी हमारा जीरा भून के तैयार हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। जीरे को भूनने में लगभग 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं। इस जीरे को अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे और जीरे को हल्का ठंडा करके उसके बाद में हम मिक्सी में पीसेंगे। जीरा हमारा भी ठंडा हो गया है, अभी इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। जीरे को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है, अभी इसे हम पीस लेंगे। जीरा हमारा पीस के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं ये जीरा कुछ पाउडर फॉर्म में रहा है और कुछ इसमें छोटा छोटा जीरा के पीस भी दिख रहे हैं। तो इस तरह का कोई छोटा छोटा पीस जीरा गोली के अंदर आते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कुछ पाउडर फॉर्म में होता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी फैलती है और जीरा गोली के अंदर खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे सादा जीरे से बनाएंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, भून के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी गोली बन के तैयार होगी। अभी इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी 3 टेबल स्पून हमने जीरा लिया था, इसमें हम 4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डाल रहे हैं और इसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर से इसमें खटाई अच्छी आती है। ये गोली खट्टी मीठी गोली होती है तो इसलिए इसमें खट्टापन के लिए अमचूर पाउडर डालते हैं। इमली से नहीं बनाई है गोली कभी भी, ये अमचूर पाउडर से ही अच्छी बन के तैयार होती है। अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून काला नमक डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। सेंधा नमक डालने का फायदा ये है, कभी आपके उपवास वगैरह होता है उस समय भी ये गोली खा सकते हैं आप। इसमें अभी हम 8 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर देंगे, जो लगभग आधा कप है। इसमें हमने 4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर ऐड किया था, उसके खट्टे टेस्ट को कंपनसेट करने के लिए हमने इतना शक्कर ऐड किया है इसमें। अभी शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, इसमें कोई तरह का लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। सभी को हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे। इसमें एक साथ में ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालें आप कभी भी, इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। और जैसे हम नींबू का रस डालते हैं शक्कर भी पानी छोड़ने लग जाती है, इसीलिए आप ध्यान रखें कि एक साथ में नींबू का रस नहीं डालें। और नींबू डालने के बाद में अच्छे से धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहें। देखिए आप अच्छे से पूरा धीरे धीरे मिक्स होने लग गया, क्योंकि शक्कर भी जब गीली हो जाती है तो वो अपना पानी छोड़ने लग जाती है थोड़ा। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से इसका लोई बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप टाइट आटा जैसे गूंथते हैं उस तरह का गूंथ के तैयार कर लें। आप देख पा रहे बहुत टाइट आटा हमने गूंथ के तैयार किया है, जिससे इसकी गोलियाँ आसानी से बन जाएगी। इसमें हमारे 2 टेबल स्पून जितना नींबू का रस लगा है, पर आपके शायद ज़्यादा कम लग सकता है, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब इसका डो बने तो इस तरह का टाइट डो बनना चाहिए। इस तरह का टाइट डो है वो बना करके तैयार करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक साथ में कभी भी नींबू का रस नहीं डालें। एक साथ में डालेंगे तो गीला होने के चांसेस हो जाती है, फिर आपको सभी सामान थोड़ा थोड़ा करके और डालने पड़ेंगे। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो
तो आपके भी डो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होंगे। देखिए आप हमारा डो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इस डो को हम छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे, तो आप इस तरह से थोड़ा तोड़ लें छोटा छोटा और इसको लंबी लंबी ऐसे कर ले। जितना आपको गोली बनाना हो उस हिसाब से आप, ज़्यादातर छोटी गोलियाँ ही मिलती है इसकी मार्केट में भी। इस तरह से आप छोटी छोटी गोलियाँ बना करके जीरे की, इससे छोटी बनाना चाहिए तो इससे छोटी भी बना सकते हैं आप, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करें कि आपको कितनी बड़ी गोली चाहिए। इतनी छोटी छोटी हम गोलियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं और इसको एक शुगर का हमने पाउडर लिया है, उस पाउडर के अंदर इस गोली को इस तरह से आप लपेट के रख लें। इस स्टेज में आप एक गोली को चख के भी देख सकते हैं, यदि आपको शक्कर इसमें कम लगे और ज़्यादा डाल सकते हैं, पर ये रेशियो बराबर है, आप इस हिसाब से बनाएंगे तो आपकी गोली भी बराबर रेशियो में बन के तैयार। इसको हमने चख के देख लिया, इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियाँ। ये हमारे सभी जीरा गोली बन के तैयार है, आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर हमने शुगर कोटेड कर दी है और इस तरह से आप हिलाएंगे तो सभी गोली के ऊपर आराम से शुगर कोट हो जाती है। फिर इस गोली को आप एक बोतल में भर के रख सकते हैं और उसके साथ में आधा एक चम्मच आप पिसा हुआ शक्कर भी डाल के रख सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी बोतल ले सकते हैं, उस बोतल के अंदर इस तरह से गोलियाँ डाल करके आप रख, जितनी बनाते हैं उस हिसाब से आप छोटी बड़ी बोतल ले सकते हैं और ये बन के ईजिली तैयार हो जाती है। तो आप चाहे हर महीने इस तरह से आपके महीने भर का एक बार बना के रख लें, फिर आप यूज़ करते रहें। ये जो शक्कर इसके पीछे बच गई है, ये भी शक्कर आप इसी के अंदर डाल के रख दें, जिससे क्या गोली एक दूसरे से चिपकेगी भी नहीं। कभी हल्का भी मॉइस्चर यदि कभी भी खोलते हैं आप खाने के लिए तो मॉइस्चर हल्का से जाते हैं अंदर, तो ये गोली को ऊपर ये शक्कर लगती रहेगी और गोली के ऊपर मॉइस्चर नहीं लगेगा। फिर इस तरह से सभी गोलियों को हमने एक बॉटल में भर दिया है और जो शुगर आप देख पा रहे हैं हमने शुगर भी इसके अंदर डाल दी है। इस तरह से आप गोली बनाएं और भर करके बोतल में रख दें, तो ऐसी गोली फिर साल भर भी आपके खराब नहीं होगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।